नमस्कार सभी को, एजुकेशनल हब बाय स्वश्री में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना वर्ण, वर्णमाला और स्वर क्या होते हैं। आज हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या वर्णमाला में कितनी होती है और व्यंजन सिखाते या सीखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। देखिए वे इस प्रकार से हैं, क, ख, ग, घ, अन, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी गिनती व्यंजनों में नहीं की जाती। इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम सीखते हैं व्यंजन पढ़ते या पढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को व्यंजन की ध्वनि यानी साउंड और आकृति की सही प्रकार से पहचान कराएं। हमेशा ध्यान रहे जो भी व्यंजन आप सिखा रहे हैं उस पर बच्चे की उंगली रखवाइए। इससे बच्चे को उस व्यंजन की आकृति व ध्वनि एवं दिखाए गए उदाहरण की पहचान होती है। वर्णमाला किताब में से व्यंजनों को बार बार पढ़वाइए और बच्चे से उन्हें दोबारा उच्चारण उदाहरण सहित करवाइए। एक व्यंजन को अलग अलग उदाहरण से समझाइए ताकि बच्चा व्यंजन की जल्दी से पहचान कर सकें। जल्दबाजी ना करें, एक हफ्ते में एक ही व्यंजन कराएं। और ध्यान रहें व्यंजन से जुड़े उदाहरणों पर इस बात का जरूर विशेष ध्यान रहे कि शब्द के पहले अक्षर पर मात्रा ना हो, जिससे बच्चा उसे आसानी से पढ़ सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।